हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 23 सितंबर 2021। तो 23 सितंबर 2021 से करेंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछूंगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इस वीडियो का PDF फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक यानी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व राइनो दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों यह कल ही के दिन यानी कि 22 सितंबर को मनाया गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, विश्व राइनो दिवस। हर साल विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन गैंडों की सभी 5 मौजूदा प्रजातियों के जो है ब्लैक राइनो, व्हाइट राइनो, ग्रेटर एक सींग वाला राइनो, सुमात्रा राइनो और जावन राइनो की रक्षा की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व राइनो दिवस पहली बार 2010 में विश्व वन्य जीव कोष दक्षिण अफ्रीका यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड साउथ अफ्रीका द्वारा घोषित किया गया था और 2011 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। यह दिन कारण से संबंधित संगठन, गैर सरकारी संगठन, चिड़ियाघरों और जनता के सदस्यों को गैंडों को अपने अनोखे तरीके से मनाने का अवसर प्रदान करता है। 5 तरह का गैंडा पाया जाता है, आपको नाम बता दिए, ब्लैक राइनो, व्हाइट राइनो, ग्रेटर एक सिंगवाला राइनो, सुमात्रा राइनो और जावन राइनो। इनकी रक्षा की आवश्यकताओं को जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 22 सितंबर को। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल संभाला है? तो यह कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल संभाला है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। यह है जस्टिन ट्रूडो, यह कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल इनका रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के PM के रूप में सेवा करने के लिए तीसरा कार्यकाल जीता है। उनकी पार्टी ने 20 सितंबर 2021 को 2021 का संसदीय चुनाव जीता। हालांकि 49 वर्षीय जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी चुनाव में केवल अल्पसंख्यक सीटें जीतने में सफल रही है। जस्टिन ट्रूडो 2015 में सत्ता में है और यह फिर से इस सत्ता में आ गए हैं। 157 सीटों पर ट्रूडो के उदारवादी आगे चल रहे थे या चुने गए थे। 2019 में ठीक इसी संख्या में उन्होंने जीत हासिल की थी। हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत हासिल करने के लिए 170 सीटों की आवश्यकता है, जिसमें 13 सीटें कम है, जो कि इनका पूरा हो गया, जिसकी वजह से यह संसद चुनाव जीत गए हैं और कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में अपना पद संभाला है। अब बात हुई है कनाडा के बारे में, तो कनाडा के बारे में जान लेते हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडियन डॉलर यहाँ का करेंसी है तथा इंग्लिश तथा फ्रेंच यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, जो हमने आपको अभी जस्ट न्यूज में बताया। यह है जो ग्रीन कलर से डिनोटेड है, यह है वर्ल्ड मैप में कनाडा देश। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रिक पार्क विकसित करने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो इलेक्ट्रिक पार्क विकसित करने की प्रस्ताव की मंजूरी यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ ने दे दी है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। योगी आदित्यनाथ ने नेतृत्व करने वाली उत्तर प्रदेश सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नोएडा के पास यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि YEIDA क्षेत्र के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पार्क को जेवर हवाई अड्डे के पास YEIDA के 250 एकड़ क्षेत्र में विकसित करने का प्रस्ताव है। अब जान लेते हैं इस पार्क के बारे में। मोबाइल फोन, TV और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और सहायक सामग्री का निर्माण करने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां पार्क में अपनी इकाइयां स्थापित करेगी। नया इलेक्ट्रॉनिक पार्क लगभग 50,000 करोड़ रुपए के निवेश से बनेगा और साथ ही हजारों स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार भी यह पैदा कर देगा। अब बात भी है यह उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थापित करने की बात की है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। यह एक उत्तर प्रदेश बड़ा ही राज्य है, एक जो कि बिहार से ही सटा हुआ राज्य है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ यहाँ की राजधानी है। आनंदीबेन पटेल यहाँ का गवर्नर है तथा योगी आदित्यनाथ यहाँ का चीफ मिनिस्टर है। 80 लोकसभा सीट है, 31 राज्यसभा सीट है तथा कुल यहाँ पर 403 विधानसभा सीट है। यहाँ पर भी विधान परिषद है जिसमें कुल 100 सीट है, जिसमें 90 इलेक्टेड होते हैं तथा 10 नॉमिनेटेड होते हैं। इसके अलावा एक यहाँ पर प्रमुख नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है दुग्धवा नेशनल पार्क।
अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, यानी कि एसवी सरस्वती को। एआई इमेज में एसवी सरस्वती। सैन्य नर्सिंग सेवा के उप महानिदेशक ब्रिगेडियर एसवी सरस्वती को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है जो एक नर्स प्राप्त कर सकती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक नर्स प्रशासक के रूप में उनके योगदान के लिए ब्रिगेडियर सरस्वती को एक आभासी समारोह में पुरस्कार प्रदान किया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा? तो दोस्तों यह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 2050 तक। ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2050 तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन सकता है। 2050 तक वैश्विक आयात में 5.9% हिस्सेदारी के साथ भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा। वर्तमान में भारत 2.8% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़े आयातक देशों की सूची में 8वें स्थान पर है। ग्लोबल ट्रेड आउटलुक यानी कि GTO रिपोर्ट के अनुसार सूची में देश की स्थिति 2030 तक 3.9% हिस्सेदारी के साथ 4थे स्थान पर पहुंच जाएगी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राजीव अग्रवाल को सार्वजनिक नीति निदेशक नियुक्त किया है? तो यह फेसबुक इंडिया ने नियुक्त किया है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। फेसबुक इंडिया ने पूर्व IAS अधिकारी राजीव अग्रवाल को सार्वजनिक नीति निदेशक नियुक्त किया है, यानी कि डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। वह अंकित दास की जगह लेंगे। पहले से अंकित दास इस पद पर थे, अब इस पद पर राजीव अग्रवाल इस पद को धारण कर लेंगे। यह एक पूर्व IAS अधिकारी है जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर में कंपनी छोड़ दी थी। यह अंकित दास जो पिछले साल अक्टूबर में अपनी कंपनी यानी फेसबुक इंडिया को छोड़ दी थी। वह देश में दक्षिणपंथी नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा के नियमों को लागू करने का विरोध करने के लिए एक विवाद में फंस गई थी। वह अपनी नई भूमिका में अग्रवाल भारत में फेसबुक के लिए महत्वपूर्ण नीति विकास पहलों के परिभाषित और नेतृत्व करेंगे, जिसमें उपयोगकर्ताओं, सुरक्षा, डेटा संरक्षण और गोपनीयता और समावेश, इंटरनेशनल शासन भी इसमें शामिल है। अब चलते हैं फेसबुक के बारे में जान लेते हैं। फेसबुक की बात हुई तो फेसबुक की स्थापना वर्ष 2004 में फरवरी में हुई थी। इसके CEO है मार्क जुकरबर्ग तथा इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया, USA में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए वायुसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, VA चौधरी को, यानी ऑप्शन इसका सही जवाब है ए। एयर मार्शल VR चौधरी यानी कि विवेक राम चौधरी को अगला वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। वर्तमान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया 30 सितंबर को सेनानिवृत्त होंगे। चौधरी ने इस साल 1 जुलाई को एयर मार्शल HS अरोड़ा के सेनानिवृत्त होने के बाद उप प्रमुख का पदभार संभाला था। वह परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और वायुसेना पदक के प्राप्त करता है। पहले से यानी कि 1 जुलाई से विवेक चौधरी IAF यानी इंडियन एयरफोर्स के उप प्रमुख के रूप में अपना पदभार संभाला हुआ है, लेकिन 30 सितंबर 2021 को अभी वर्तमान में अपने पद पर रहे वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया के पदभार यानी अपने पद पर सेना निवृत्त हो जाने के बाद वह 1 तारीख से यानी 30 सितंबर को बाद के बाद VA चौधरी यानी विवेक राम चौधरी वायुसेना प्रमुख का पदभार संभालेंगे। अब बात हुई वायुसेना के बारे में, तो वायुसेना के बारे में जान लेते हैं। वायुसेना यानी कि भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके पास कई फाइटर जेट भी है, जैसे कि स्पेस जेट, जगुआर, डसॉल्ट राफेल, सुखोई SU-30, MKI और अन्य कई फाइटर्स है। इसके अलावा कई हेलीकॉप्टर भी आए हैं आपके पास, जैसे कि अपाची AH-64, ECH-47, चिनूक, ध्रुव, चेतक, चीता, MI-8, MI-17, रुद्र, MI-26, MI-25 या 35। यह सभी के सभी हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स के पास है। इंडियन एयरफोर्स डे यानी कि भारतीय वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाई जाती है। दोस्तों प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस कब मनाई जाती है, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में OECD ने भारत के
फाइनेंशियल ईयर 22 के विकास अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 9.7%। हाल ही में OECD ने भारत के फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए विकास अनुमान को घटाकर 9.7% अनुमान लगाया है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। OECD तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इस वर्ष यानी चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास अनुमान को मामूली रूप से घटाकर 9.7 कर दिया है, जो आधार अंकों यानी BPS के कमी है। फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए OECD ने भारत के विकास अनुमान को 30 आधार अंकों से घटाकर 7.9 कर दिया है, यानी कि 9.7 से और कम होने वाला है 7.9। अब जान लेते हैं आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है तथा इसकी स्थापना 30 सितंबर 1961 को हुई थी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 मास्टर वर्ल्ड जीता है? तो यह डी गुकेश ने जीता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। यह इमेज में डी गुकेश, भारत के GM डी गुकेश ने जीता नॉर्वे शतरंज ओपन 2021। भारत के डी गुकेश ने इस महीने में अपना लगातार दूसरा टूर्नामेंट नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 मास्टर्स वर्ग जीत लिया है। गुकेश के नवाज 8.5 आउट ऑफ 10 का स्कोर बनाया और टूर्नामेंट में जीतने की प्रतियोगिता से पहले एक पूर्ण अंक हासिल किया। इनियान ने 8.5 आउट ऑफ 10 अंकों के साथ एकमात्र दूसरा स्थान हासिल किया, जो शीर्ष वरीयता प्राप्त डीजी मित्र कोलार्थ जो कि जर्मनी के हैं और वेलेंटिन डेग्रेम जो कि ऑस्ट्रिया के हैं, इन्होंने आधा अंक से आगे रहा है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक चाय पार्क की स्थापना की जा रही है? तो एक चाय पार्क की स्थापना की जा रही है असम सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। असम कामरूप जिले के छैगांव में एक चाय पार्क स्थापित किया जा रहा है। इस चाय बगान में एक छत के नीचे रेल और बंदरगाह कनेक्टिविटी, कार्गो और गोदाम सुविधाएं, चाय पीसने सम्मिश्रण, पैकेजिंग और अन्य उपयोगिता जैसी प्रसंस्करण सुविधाएं रहेगी। अब बात हुई है असम के बारे में, तो असम के बारे में जान लेते हैं। यह भारतीय मैप में असम राज्य जो कि यहाँ पर रेड कलर से डिनोटेड है। असम की राजधानी दिसपुर है। जगदीश मुखी यहाँ का राज्यपाल है। हिमंत बिस्व शर्मा यहाँ का चीफ मिनिस्टर है। यहाँ पर 14 लोकसभा सीट है, 7 राज्यसभा सीट है तथा 126 कुल विधानसभा सीट है। यहाँ का कई नेशनल पार्क फेमस है जो कि डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क तथा ओरंग नेशनल पार्क। ओरंग नेशनल पार्क में हाल ही में इसका पूरा नाम था राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, लेकिन हाल ही में इस नाम से असम कैबिनेट द्वारा राजीव गांधी हटाकर केवल ओरंग नेशनल पार्क कर दिया गया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 107 वर्षीय जुड़वा बहने दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित समान जुड़वा का रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों यह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, यानी कि जापान। जापान में दो 107 वर्षीय जुड़वा बहने हैं जो कि अभी तक बुजुर्ग होकर अभी तक दोनों बहने जीवित है और दोनों की दोनों जुड़वा बहने हैं। यह दुनिया का पहला रिकॉर्ड बन गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, जापान। ए है दोनों बहने। इसमें इमेज में आप ध्यान से देख लीजिएगा, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दो जापानी बहनों को 107 पर यानी 107 वर्ष की उम्र पर दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित समान जुड़वा के रूप में प्रमाणित किया है। उमेनो सुमियामा और कोइमे कोदामा का जन्म 5 नवंबर 1913 को पश्चिमी जापान के सोदोशिमा द्वीप पर 11 भाई बहने में तीसरे और चौथे स्थान पर हुआ था। कुल ये लोग 11 भाई बहन थे जिसमें तीसरे और चौथे स्थान पर रहे थे। इन दोनों का जन्म 5 नवंबर 1913 को हुई थी। यह दोनों के दोनों अभी जीवित हैं। इनका नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बुक में शामिल किया है और इन्हीं को अवार्ड भी दिया गया है। इन दोनों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से यह अवार्ड दिया गया है। अब चलते हैं, बात हुई जापान के बारे में, तो जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है। यहाँ की करेंसी येन है। जापानी यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है तथा यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है योशीहिदे सुगा। यह है वर्ल्ड मैप पे जो कि रेड कलर से डिनोटेड है, जापान कंट्री। आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा, यह भी एशिया में ही पड़ता है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहां शुरू होगा? तो दोस्तों यह लद्दाख में शुरू होने वाला है, यानी ऑप्शन इसका सी सही जवाब है।
द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 THFF का पहला संस्करण 24 से 28 सितंबर तक लेह लद्दाख में शुरू होगा। फिल्म समारोह का आयोजन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन द्वारा फिल्म समारोह निदेशालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। फिल्म महोत्सव की मेजबानी लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद यानी कि LAHDC लेह के सहयोग से की जा रही है। 5 दिवसीय फिल्म महोत्सव भारत की आजादी के 75 साल पूरे हो जाने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव का जश्न का एक हिस्सा है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पुडुचेरी और किस राज्य की समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो पुडुचेरी तथा तमिलनाडु के राज्य के समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है हाल ही में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भारत में 2 और समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग यानी ब्लू फ्लैग से प्रमाणन से सम्मानित किया गया है, जो एक अंतरराष्ट्रीय इको स्तरीय टैग है, जिससे देशों में ऐसे समुद्र तटों का कुल संख्या 10 हो गई है। इस साल प्रमाणन प्राप्त करने वाले 2 समुद्र तट हैं तमिलनाडु में कोलम तथा पुडुचेरी में इडन समुद्र तट, दोनों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। अब बात हुई है ब्लू फ्लैग प्रमाणन के बारे में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ब्लू फ्लैग प्रमाणन विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेबल है, जो 33 कड़े मानदंडों के आधार पर 4 प्रमुख शीर्ष जो है पर्यावरण, शिक्षा और सूचना, स्नान के पानी पीने की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण और समुद्र तटों में सुरक्षा और सेवाओं को दिया गया है। ब्लू फ्लैग बीच एक इको टूरिज्म मॉडल है, जो पर्यटकों या समुद्र तट पर दिए जाने वाले स्वच्छ और स्वच्छ नहाने का पानी सुविधाओं, एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण और क्षेत्र का सतत विकास प्रदान करने का प्रयास करता है। यह ब्लू फ्लैग प्रमाणन का एक तरह से विशेषता, इसकी सिफारिशें प्रख्यात पर्यावरणविद और वैज्ञानिकों से बनी एक स्वतंत्र राष्ट्रीय जूरी द्वारा की जाती है। जूरी यानी कि एक समूह द्वारा की जाती है। अब बात हुई पुडुचेरी तथा तमिलनाडु के बारे में, तो दोनों के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। आरएन रवि यहाँ का राज्यपाल है। एमके स्टालिन यहाँ का मुख्यमंत्री है। 39 यहाँ पर लोकसभा सीट है, 18 राज्यसभा सीट है तथा 234 विधानसभा सीट है। यहाँ का 2 नेशनल फेमस है नेशनल पार्क, जो कि है मधुबलाई नेशनल पार्क तथा अन्नामलाई नेशनल पार्क। अन्नामलाई नेशनल पार्क को इंदिरा गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अब जान लेते हैं पुडुचेरी के बारे में। पुडुचेरी की राजधानी पौंडुचेरी है। तमिलसलाई सुंदर राजन यहाँ का उपराज्यपाल है। एन रंगास्वामी यहाँ का मुख्यमंत्री है। 1 लोकसभा सीट है, 1 राज्यसभा सीट है तथा कुल 33 विधानसभा सीट है। यहाँ यानी कि यह एक यूटी है यानी यूनियन टेरिटरी यानी कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व के किस लीडर को SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित करने वाला विश्व के लीडर है यानी नेता है शेख हसीना, यानी कि बांग्लादेश के PM शेख हसीना। ऑप्शन ए सही इसका जवाब है। अब यह रहा न्यूज, जिसमें बताया गया है कि इवेंट स्पॉन्सर्ड SDSN कॉन्फ्रेंस बांग्लादेश PM शेख हसीना विथ SDG प्रोग्रेस अवार्ड फॉर बांग्लादेश एंड स्टडी प्रोग्रेस अचीविंग UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टू एंड पॉवर्टी, प्रोटेक्ट द प्लैनेट एंड इंश्योर पीस एंड दैट नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। दैट मीन्स गरीबी की दूर करने, सुरक्षा प्रदान करने तथा शांति प्रदान करने के एक तरह से इसके क्षेत्र में इस विषय में अचीवमेंट हासिल करने के लिए बांग्लादेश के PM शेख हसीना जी को हाल ही में SDN UN द्वारा SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब जान लेते हैं शेख हसीना के बारे में। यह है इमेज में शेख हसीना जी। शेख हसीना बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं। इनका जन्म 28 सितंबर 1947 को हुई थी। इनका नेशनलिटी है बांग्लादेशी। यह अवामी लीग पार्टी से हैं तथा इनकी ग्रेजुएशन हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका तथा ईडन महिला कॉलेज से। इनको कई अवार्ड दिए गए हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी प्राइज, ग्लैमर अवार्ड, द चूजन वंस, इनको कई अवार्ड दिए गए हैं। अब बात हुई है बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर इस न्यूज के बारे में दिया हुआ है पूरा डिटेलिंग से, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है तथा यहाँ की करेंसी टाका है। बांग्ला यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है तथा यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना जी। यह है भारत वर्ल्ड मैप में बांग्लादेश, जो कि रेड कलर से यहाँ पर डिनोटेड है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में कैंसर पेशेंट्स के लिए और स्पेशली कैंसर पेशेंट्स के लिए विश्व रोग दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि 22 सितंबर को। वर्ल्ड रोज डे 2021 हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन सितंबर 22।
ऑब्जर्व ऑन 22 एवरी ईयर दिस डेज, मतलब कि इस वर्ष 22 सितंबर को वर्ल्ड रोज डे मनाया गया है। प्रतिवर्ष यह दिवस स्पेशली इस दिवस मतलब कि पेशेंट्स के लिए मनाया जाता है। ऑन दिस डे पीपल ऑफर्स रोजेज कार्ड्स एंड गिफ्ट टू कैंसर पेशेंट एंड देयर केयर गिवर्स। दिस स्मॉल गेस्टर कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दियर डिफिकल्टी जर्नी। यानी कि इस दिन लोग पेशेंट्स को रोज कार्ड गिफ्ट या इत्यादि गिफ्ट करते हैं, कैंसर पेशेंट्स को स्पेशली। कैंसर पेशेंट्स के लिए ही हम दिवस खास करके मनाया जाता है। द फाइट अगेंस्ट कैंसर इज बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एंड इवेंट्स सच एज दिस डे कैन गिव इनर स्ट्रेंथ एंड मोटिवेशन टू पेशेंट टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। यानी कि यह रोग कैंसर से लड़ने में फिजिकल तथा साइकोलॉजिकल दोनों तरह से काम करता है। यानी अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार तथा अपना मनोविज्ञान के अनुसार, यानी जो मन आपका कहता है उन दोनों को, यानी अपने शरीर के अनुसार और मन के अनुसार दोनों को कार्य करने में यह फाइट करता है। यह डे इंटरनली स्ट्रेंथ प्रदान करता है, आपको मोटिवेट करता है भले आप कैंसर पेशेंट है, ताकि आप जल्दी से जल्द ठीक हो जाए। यह दिवस आपको आपके लिए मोटिवेट किया जाता है। अब वर्ल्ड रोज डे के बारे में जान लिए, अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। कल का वीडियो का अंतिम प्रश्न था, RKVI योजना के तहत किस संगठन ने 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। यानी कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन डिसाइडेड टू ट्रेन 50,000 यूथ अंडर एन RKVI स्कीम। तो दोस्तों यह मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी कि रेल मंत्रालय ने निर्णय लिया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अब चलते हैं आपके लिए आज का प्रश्न। आपके लिए आज का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को अपना पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क केंद्र मिला है। विच स्टेट हैज गोट इट्स फर्स्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सेंटर रिसेंटली। आपके लिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही जवाब चुनना है तथा आपको कॉमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताना है। आशा करता हूँ आप कल के प्रश्न का जवाब सही दिए होंगे तथा प्रत्येक दिन से बनने वाले डेज को आप कमेंट बॉक्स से सीरियल वाइज से जरूर लिखिए, ताकि आपको लिखने से आदत बने और लिखते लिखते आपको पूरे डेज ध्यान में रहने लगे। चलिए तो दोस्तों, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि आपको PDF फाइल बिल्कुल आसानी से प्राप्त हो जाए, वो भी बिल्कुल फ्री में। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।